देखिए कुछ टेक्निकल कारणों से आपका बीच में क्लास रुक गया था, फिर शुरू किया जा रहा है। जान ऑस्टिन को हम आगे बढ़ा रहे थे, आपका समादेश बता रहे थे कि समादेश नेचर के आधार पर दो प्रकार, आपका दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। फिर समादेश आपका स्वभाव, आपका अगला जो समादेश का प्रकार है, एक जनरल कमांड और दूसरा पर्टिकुलर कमांड, यानी कि एक सामान्य आदेश और दूसरा विशिष्ट आदेश या समादेश। यहाँ से भी अंदर से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए सामान्य आदेश या समादेश वह होता है जहाँ की संप्रभु की इच्छा, यानी कि संप्रभु की इच्छा को सामान्य समादेश तब कहा जाएगा जब ऐसी इच्छा व्यक्त की गई हो सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय के लिए। लेकिन पर्टिकुलर या विशिष्ट आपका समादेश तब कहा जाएगा जब कुछ व्यक्तियों को हमेशा के लिए समादेश दिया गया हो या सभी व्यक्तियों को कुछ समय के लिए। अब यहाँ जो टेक्निकल क्वेश्चन आयोग बना सकता है वह ये बना सकता है कि जान ऑस्टिन किसको पॉजिटिव ला या एक्चुअल ला या वास्तविक विधि या विध्यात्मक विधि या निश्चायक विधि मानते हैं। तो आपका जो जनरल कमांड है उसी को जान ऑस्टिन पॉजिटिव ला मानते हैं, विशिष्ट को नहीं। अब आइए अब आगे बढ़ा जाए। ऑस्टिन ने पांच ऐसे समादेश या इच्छाएं बताई हैं, यानी कि जान ऑस्टिन संप्रभु की पांच ऐसी घोषणाएं बताते हैं, ऐसी पांच इच्छाएं बताते हैं जो संप्रभु ही समादेश देता है, लेकिन कानूनन आपका इसे एक्चुअल ला या वास्तविक विधि या पॉजिटिव ला नहीं माना जाता। यानी कि समादेश के या कमांड के हम एक्सेप्शन भी कह सकते हैं, यानी कि पांच ऐसे समादेश जिन्हें कि समादेश या कमांड तो वे हैं लेकिन जान ऑस्टिन उसे एक्चुअल ला या पॉजिटिव ला की संज्ञा नहीं देते। तो पांचों कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, घोषणाएं हैं, जिन्हें आपका ऑस्टिन आपका एक्चुअल ला मानने से इनकार करते हैं। तो पांचों को पढ़ना है और इसका एक एक करके उदाहरण भी देखते रहना है। पहला देखिए, व्याख्यात्मक विधियाँ। व्याख्यात्मक विधियों का मतलब ये हुआ आपका कि एक्सप्लेन करने वाली विधियाँ। एक्सप्लेन करने वाली विधियाँ होती क्या हैं? देखिए जो एक्सप्लेन या इंटरप्रटेशन या निर्वचन करने वाले कानून होते हैं, जान ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु ही बनाता है, इसे कानून कहा जाता है। लेकिन जो एक्चुअल ला है, पॉजिटिव ला है, इसकी श्रेणी से इसे ऑस्टिन बाहर करते हैं। तो व्याख्यात्मक विधि होती क्या है? एक्सप्लेनेटरी या एक्सप्लेन करने वाली विधि का मतलब होता है ऐसी विधियाँ जो केवल और केवल किसी शब्द का अर्थ बताती हूँ। तो तुरंत भारत में जोड़ना है, क्या भारत में ऐसा कोई कानून है जो शब्दों का केवल अर्थ बताता हो कि इस शब्द का मतलब ये हुआ है? और वह है जनरल क्लाज एक्ट, साधारण खंड अधिनियम या जनरल क्लाज एक्ट। यानी कि जो जनरल क्लाज एक्ट भारत में है, ऑस्टिन इसे आपका वास्तविक विधि मानने से इनकार करते हैं।
लेकिन ये बताते हैं कि ये समादेश हैं। दूसरा देखिए आपका घोषणात्मक विधियाँ, डिक्लेरेटरी ला। अब डिक्लेरेटरी ला क्या होता है, घोषणात्मक विधि क्या होती है, देखिए एक अपवाद भी यहाँ है। घोषणात्मक विधि का मतलब हुआ कि किसी विषय के बारे में कुछ घोषणा की जाती है। नाम से तो ये घोषणात्मक हैं, किंतु ऑस्टिन महोदय ये कहते हैं कि प्रभाव या इफेक्ट में ये मैंडेटरी होती हैं। अब जैसे ही आप घोषणात्मक विधि पढ़ेंगे तुरंत एक उदाहरण जरूर याद रखिएगा इस पर, एसआरए में जाकर यानी कि किस कानून से उदाहरण देखेंगे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यानी कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के सेक्शन 34 और 35। कौन सा सेक्शन है 34 और कौन सा 35। तो डिक्लेरेटरी डिक्री या घोषणात्मक डिक्री भारत में एसआरए के सेक्शन 34 के तहत दी गई है और इसका जो इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, वह एसआरए के सेक्शन 35 में दिया गया है और बिहार मेंस में भी जे में पूछा और प्री में भी पूछा जाता है। जजमेंट का नेक्स्ट प्रकार पूछा गया था, एक जजमेंट इन परसोनम होता है और दूसरा जजमेंट इन रेम होता है। परसोनम यानी कि इसको समझा दिया जाए थोड़ा, देखिए निर्णय दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिबंधी निर्णय। व्यक्तिबंधी का मतलब इंग्लिश में कहते हैं जजमेंट इन परसोनम। जजमेंट इन परसोनम का मतलब ऐसा निर्णय जिससे केवल और केवल पार्टी और पार्टी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही बाउंड होते हैं, अन्य कोई बाध्य नहीं होता, व्यक्तिबंधी कहा जाता है। अब बिहार लगातार क्वेश्चन बना रहा है, राजस्थान भी बना सकता है कि घोषणात्मक डिक्री का प्रभाव किस सेक्शन में, एसआरए के 35 क्या प्रभाव होता है, ये बिहार पिछली बार जे में बनाया है तो क्या प्रभाव होता है, व्यक्तिबंधी की सौरबंधी व्यक्तिबंधी रटे रही है। दूसरा जो प्रकार होता है वह जजमेंट इन रेम होता है। जजमेंट इन रेम का मतलब सर्वबंधी। सर्वबंधी मतलब लोकलक्षी। लोकलक्षी मने विश्वव्यापी। विश्वव्यापी का मतलब ये हुआ कि केवल पक्षकार ही बाध्य नहीं होते, उस निर्णय से कौन बाध्य होता है, पूरा विश्व। अब ऐसा निर्णय थोड़ा कम मिलता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर जजमेंट इन रेम का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो इसके लिए द इंडियन एविडेंस एक्ट में जाना पड़ेगा। याद करके जाइएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 में अर्थात 41 में जजमेंट इन रेम यानी कि लोकलक्षी निर्णय या सौरबंधी निर्णय का प्रावधान किया गया। कौन सी धारा है 41, रट्टा मारिए धीरे धीरे। आगे देखा जाए आपका, इसके बाद आपका निरसनकारी विधियां। निरसन तीसरा बता रहे हैं आष्ट, निरसनकारी। निरसनकारी विधियों का मतलब हुआ कि जिन कानूनों के तहत पुराने कानूनों को रिपील समाप्त किया जाता है। अब जो निरसनकारी विधियां करती क्या हैं, तो वह कानून पुराने कानून को क्या करता है, समाप्त करता है। ये भी समादेश तो है, घोषणा है इच्छा की संप्रभु की आस्टिन के अनुसार, लेकिन पॉजिटिव लॉ नहीं है। इसे
वास्तविक विधि नहीं है ऑस्टिन के अनुसार। अब निरसनकारी जब भी पढ़िए तो तुरंत एक आपका कह सकते हैं कि कुल मिलाकर एक उदाहरण दीजिएगा, और मैं अच्छा उदाहरण बता रहा हूँ, अनुच्छेद 395। संविधान का अनुच्छेद पढ़िएगा भारत में 395। अभी आपका ये अनुच्छेद बिहार जे में प्री में पूछा भी गया था। आर्टिकल 395 के तहत संविधान के निरसन है। निरसन का मतलब कि अनुच्छेद ही समाप्त नहीं किया गया। कई नए लड़के पूछते हैं कि क्या अनुच्छेद 395 समाप्त हैं। भाई अनुच्छेद 395 समाप्त नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 395 के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने, हमारी संविधान सभा ने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए दो कानूनों को समाप्त किया। पहला कानून था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और दूसरा कानून है भारत शासन अधिनियम 1935। लेकिन एक कानून को समाप्त नहीं किया, और वह प्रिवी काउंसिल का, और यही क्वेश्चन आपका बिहार में इस बार बना था कि प्रिवी काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णय भारत में आज भी बने हुए हैं, लागू हैं, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, तो कौन सा आर्टिकल है 395, ये बिहार में बना था। अगला देखिए आपका चौथा बता रहे हैं ऑस्टिन, अनुज्ञापी यानी कि परमिसिवी यानी कि परमिशन वाली विधियाँ, जो अनुज्ञापी विधियाँ होती हैं। अनुज्ञापी विधि या परमिसिव यानी कि जो परमिशन देती हैं किसी कार्य को करने के लिए, ये विधियाँ भी समादेश तो हैं लेकिन एक्चुअल ना नहीं है। तो आखिर अनुज्ञापी विधियाँ होती क्या हैं और भारत में क्या इसका उल्लेख है कि नहीं, इसके लिए दो आर्टिकल देखिएगा। मैं बता रहा हूँ अनुज्ञापी विधि के लिए, एक आर्टिकल 15 का क्लाज 4 और दूसरा आर्टिकल 16 का क्लाज 4। अनुच्छेद 15 का क्लाज 4 सरकारी सेवाओं से भिन्न प्रत्येक क्षेत्र में लागू होगा, जबकि आर्टिकल 16 का क्लाज 4 केवल सरकारी नियोजन में लागू होगा। दोनों में राज्य को परमिशन दिया गया है कि राज्य ऐसा कर सकता है चाहे करे या न करे, यानी कि आपका रिजर्वेशन ओबीसी एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। अब राज्य करे या न करे उसकी इच्छा पर है, लेकिन करता है तो नियमों का क्या करना पड़ेगा, पालन। अगला देखिए आपका, इसके बाद पांचवा ये बताते हैं अपूर्ण दायित्व वाली विधियाँ यानी कि इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन वाला ला, यानी कि इम्परफेक्ट अपूर्ण दायित्व वाली विधियाँ। अपूर्ण दायित्व वाली विधि होती क्या है ये आपको अच्छे से जानना है, और इसको देखिए, अपूर्ण दायित्व वाली विधि का मतलब ये हुआ कि ऐसा कानून जिसे कि, या ऐसा राइट हम कह सकते हैं जिसे कि न्यायालय द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता, यानी कि अधिकार तो हैं लेकिन अधिकार लेकर झुनझुना बजाइए, डमरू बजाइए, और वह अधिकार आप न्यायालय में जाकर प्रवर्तित नहीं करा सकते, इसी को
अपूर्ण दायित्व वाले कानून कहा जाता है, तो तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए कि क्या ऐसा भी नियम है जहां हमें राइट है लेकिन हम उसको न्यायालय में इन्फोर्स या न्यायालय से लागू नहीं करा सकते, यानी कि एक्शनेबल नहीं है। इसके लिए 3-4 उदाहरण मैं बता रहा हूँ, इसको अच्छे से तैयार रखना है आपका। सबसे पहले हम संविधान में देखते हैं और संविधान का ही बताते हैं, संविधान का भाग 4 और भाग 4A, पहले इसी को देखते हैं। संविधान के भाग 4 में DPS यानी कि नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इन नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, अर्थात न्यायालय में जाकर इनको लागू नहीं कराया जा सकता। तो ये पूर्ण दायित्व वाली विधि न होकर कैसी विधि मानी जाएगी? अपूर्ण। कैसी विधि? अपूर्ण। फिर आपका जो फंडामेंटल ड्यूटी दिया गया है संविधान के पार्ट 4A में, वह भी अपूर्ण दायित्व वाली विधि है, क्योंकि उसको भी न्यायालय में लागू हम नहीं करा सकते। इसके बाद आप देखिए, एक उदाहरण कॉन्ट्रैक्ट से दिया जाए, संविदा नियम से। संविदा अधिनियम में टाइम बार्ड डेट पढ़े होंगे, काल तिरोहित ऋण यानी कि ऐसा ऋण, ऐसा उधार जिसकी वसूली का समय कानूनन बीत गया हो। तो ऐसी दशा में जब वसूली का समय बीत गया हो तब न्यायालय में वाद दायर करके अब आप उस डेट को या ऋण को, उधार को वसूल नहीं सकते। ये अपूर्ण दायित्व वाली विधि है और कॉन्ट्रैक्ट के किस सेक्शन में है? 25 के क्लाज 3 में। फिर एक बार देखिए, संविदा अधिनियम की धारा 25 के क्लाज 3 में अपूर्ण दायित्व वाले प्रावधान दिए गए हैं, इसको पूर्ण दायित्व में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? ये कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 25 के क्लाज 3 में दिया गया है, मैंने दायित्व पूर्ण बना दिया जाता है लेकिन क्या होता है वो? अपूर्ण। इस प्रकार 5 प्रकार की जो इच्छाएं हैं संप्रभु की, समादेश हैं लेकिन एक्चुअल लॉ नहीं है। अब आइए, आपका जॉन ऑस्टिन ने जुरिस्प्रूडेंस को 2 भागों में बांटा, एक जनरल और दूसरा पार्टिकुलर। जनरल का मतलब ये हुआ कि विधि के ऐसे नियम जो पूरे विश्व में एक जैसे हों, पूरे विश्व के देश में पाए जाएं तो उसे सामान्य, और किसी एक देश में पाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? विशिष्ट। अब आइए, जहां तक जॉन ऑस्टिन की बात है, अब जॉन ऑस्टिन के बारे में आपका कुछ किताबें बची हैं और उन्हीं किताबों को हमें देखना है, और किताब जरूर याद करके जाइए। देखिए क्या क्या किताब लिखे। देखिए, इन्होंने आपका ये लंदन विश्वविद्यालय में 6 लेक्चर दिए, 6। एक बार पूछा गया कि किताब आपका जे में आया है, इन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में 6 व्याख्यान दिए, लेक्चर दिए, और उन 6 लेक्चरों को आपका एक किताब में पिरो दिया गया। पिरो दिया गया मैंने रख दिया गया, और उस किताब का जो नाम है आपका याद रखना है, द प्राविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिटरमिंड, द प्राविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिटरमिंड, गलत ना हो,
एक बार आपका व्याख्यान व्याख्यान से पूछा गया है, फिर एक बार मैं बता रहा हूँ। इन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में 6 लेक्चर दिए और उन 6 लेक्चरों को एक किताब में छापा गया। उस किताब का क्या नाम है? तो द प्राविंस ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस डिटरमिंड। अगला किताब देखिए, ए प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी क्वेश्चन आ चुका है यूपीजे में। ए प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन किताब किसने लिखी? तो आपका जवाब रहेगा जॉन ऑस्टिन ने लिखी। तत्पश्चात इनकी अगली किताब है अगला इनका दो किताब महत्वपूर्ण है, दो ही किताब आपको याद रखना है। इस प्रकार इनका जो प्रिंसिपल था वह हम भारत में जोड़ते हुए आपको बताए। अब इनकी आलोचना देखना है। जहाँ तक ऑस्टिन की आलोचना की बात है, तमाम आलोचनाएं की जाती हैं, लेकिन जो विद्वानों ने कोटेशन दिया है वही याद रखना है ज़्यादा। आलोचना दो चार हम भी कर दें। पहला तो ये प्राकृतिक विद को इग्नोर करते हैं, जबकि आज भी नेचुरल लॉ है। दूसरा, प्रथा और रूढ़ को इग्नोर करते हैं, आज भी प्रथा और क्या है, रूढ़ है। संप्रभु पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, डर का माहौल पैदा करते हैं और ये कहते हैं मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला जाता है व्यक्ति के मन पर, तब कानून का पालन करता है। लेकिन व्यक्ति समाज का सभ्य इंसान होने के कारण, नैतिकता के कारण भी कानून का क्या करते हैं लोग, पालन, इसमें कोई शक नहीं है। तो आलोचना 3-4 बता दी गई। आलोचना के बाद विद्वानों की आलोचना जरूर याद रखे, वहीं से क्वेश्चन आपका बना है। पहली आलोचना देखा जाए, प्रोफेसर एलन, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीजे में एक दो बार और हम बता चुके हैं। प्रोफेसर एलन ने ऑस्टिन को विधि शास्त्र के क्षेत्र में ताड़ का वृक्ष कहा है, यानी कि प्लम आपका ट्री, प्लम ट्री ताड़ का वृक्ष। ताड़ का वृक्ष होता क्या है थोड़ा समझिए। और यहाँ आपका कहावत भी एक चरितार्थ होती है। कहावत ये कही जाती है आपका, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप बड़े बड़े, जैसे कि खजूर का पेड़ है, ताड़ का पेड़ है, बहुत लंबा होता है, आपका पत्ता भी कम रहता है, अब फल बहुत दूर लगता है, अगर ऊपर चढ़े कहीं टपक गए तो पता नहीं लगेगा, और इतना पत्ता कम रहता है कि किसी को छाया भी नहीं लगती। यानी कि इसका भावार्थ ये हुआ कि आप अच्छे पद पर चले गए हैं, आप अच्छे पद पर चले गए हैं तो आपको आम जनता का भी ख्याल रखना चाहिए, ये नहीं कि आप घमंड में आ जाएं और आम जनता को भूल जाएं। लेकिन ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं, आम जनता को क्या कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं। अगला देखिए आपका, ये प्रोफेसर एलन। इसके बाद प्रोफेसर हार्ट आलोचना करते हैं और हार्ट महोदय और कड़ी आलोचना करते हैं, प्रोफेसर HLA हार्ट। देखिए क्या कहते हैं, ऑस्टिन की विधि बंदूकधारियों की विधि है। यानी कि जिस प्रकार एक बंदूकधारी आता है, किसी व्यक्ति को बंदूक दिखाकर डरवाता है और कहता है कि जो तुम्हारे पास धन है
दे दो, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। सेम उसी प्रकार ये जो ऑस्टिन हैं, ये कहते हैं कि सावरेन ने कमांड दिया है, तुम कमांड का क्या करो पालन, और नहीं करोगे तो क्या पाओगे, सजा पाओगे। अतः भय दिखाकर कानून का क्या कराया जा रहा है, पालन। इस प्रकार आपका जॉन ऑस्टिन की जो विधि के बारे में विचार और इत्यादि था आपका ये बताया गया। तो अगला लेक्चर आपका कल चलेगा। धन्यवाद।